हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, तनीषा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। और ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सब इसे अपने अंदाज अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे तनीषा रसोई के अंदाज से, थोड़े से अलग तरीके से। तो कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 कटोरी दही, और लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। यहाँ पर हम दही से कढ़ी बना रहे हैं। तो एक बर्तन लेंगे बड़ा सा, ये दही हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम आधा जग पानी और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरीके से फेंटना है हमें दही को। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। बेसन हमारा दही के अंदर अच्छे से मिक्स होना चाहिए और जितनी भी गांठें पड़ी हुई हैं हमारे बेसन के अंदर, इनको भी अच्छे से फोड़ लेंगे हम। और इसका हमें एक घोल बनाकर तैयार करना है। इसको आप अच्छे से फेंट लें इस तरीके से। हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है दही के अंदर। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे नमक। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट हो। इसके अंदर हम 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। कढ़ी की जो सब्जी होती है वह थोड़ी पतली ही अच्छी होती है, तो इसलिए हम 2 गिलास पानी और डाल देंगे इसके अंदर। कढ़ी का जो हमारा घोल था वो बनके तैयार हो गया है। इसको हम गैस पर रख देंगे। अब इसको चलाएंगे और गैस को रखेंगे मीडियम पर। कढ़ी के अंदर अभी हमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने लिए 8-10 हमने हरी मिर्च ली है और 10-15 कली लहसुन की ली है। थोड़ा सा अदरक लिया है, इसका हमें पेस्ट बना लेना है। चाहे आप तो इसे सिलबट्टे से ही पीस सकते हैं, चाहे तो मिक्सर के जार से ही पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है सिलबट्टा। तो सिलबट्टे पर हम लहसुन और हरी मिर्च और अदरक को एक साथ पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम इस तरीके से पीस लेंगे। सिलबट्टे पर जो हम हरी मिर्च और लहसुन अदरक को इस तरीके से पीस लेते हैं, तो हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जो ये हमारा पेस्ट है, इसमें से हम 1 चम्मच लेंगे, रखेंगे पकौड़ियों के लिए, जो हमें पकौड़ी बनानी है कढ़ी के लिए, और बाकी सारा हम कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। कढ़ी को पकाने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, तो आप गैस को कम रखें और बीच बीच में कढ़ी को चलाते रहें। अगर आप तेज गैस पर कढ़ी को पकाएंगे तो सारी कढ़ी हमारी बाहर निकल जाएगी। कढ़ी में डालने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल पका हुआ। इससे हमारी कढ़ी में टेस्ट भी अच्छा आएगा और पकते टाइम हमारी कढ़ी बाहर भी नहीं निकलेगी। मीडियम आंच पर कढ़ी को रखकर आप अपने बाकी के और भी काम कर सकते हैं। और जो धीमी धीमी गैस पर हमारी कढ़ी पकती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और बीच बीच में आप इसे बस चलाते रहना है आपको। जब तक हमारी कढ़ी बन रही है, हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़ों के लिए लिए हमने यहाँ पर 2 आलू। हम आलू के पकौड़े बना रहे हैं, बेसन के पकौड़े नहीं बना रहे हैं। आलू के पकौड़े ही हम कढ़ी के लिए बनाएंगे, कितने सॉफ्ट और नरम। तो ये आलू जो हैं हमारे, इनको हमें कद्दूकस करना है। तो आलू कद्दूकस करने के लिए लिया हमने कद्दूकस। ये दोनों आलू हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। आलू हमारे हो गए हैं कद्दूकस। इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे पकौड़े बनाने के लिए। और इसके लिए लिया है हमने 1 कटोरी बेसन। हरा धनिया लिया है बारीक से कटा हुआ, जो हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बचाया था वो भी ले लेंगे हम। बारीक कटी हुई प्याज ली है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर।
इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे आलू का पानी है उसी से हमारा बेसन अच्छे से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आलू और बेसन हमारे पकौड़ी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और जो हमारी कढ़ी बन रही थी उसको हमने रख दिया है साइड वाली गैस पे, ये भी पकती रहेगी। पकौड़े बनाने के लिए ये लिया है हमने यहाँ पर एक कटोरी सरसों का तेल, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा हो गया है गर्म, इसके अंदर डालेंगे पकौड़े, एक एक करके डाल देंगे पकौड़ों को हम, और जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आप पकौड़े डालते रहें। और पकौड़ों का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, हम यहाँ पर छोटे छोटे पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़ों को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक तरफ से सिक चुके हैं हमारे पकोड़े, इनको हम पलट देंगे। अब हल्का सा इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये अंदर से भी सिक जाएं। पकोड़े हमारे हो गए हैं फ्राई, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं हमारे, सारे निकाल लेंगे इसके अंदर से हम, और बाकी के बैटर से भी हम इस तरीके से पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारी कढ़ी थी ये भी बन चुकी है, इसमें डालेंगे पकोड़े और 5 मिनट और पकाएंगे इसे हम बस। ये सारे पकोड़े डाल देंगे इसके अंदर और 5 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी कढ़ी पक चुकी है, इसको उतार लेंगे हम। पहले इसे हम सर्व कर लेते हैं, फिर इसे हमें तड़का लगाना है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी हमारी। तड़के के लिए लिया है हमने यहाँ पर ली है, थोड़ी सी ली है हमने मेथी, 1 चम्मच लिया है जीरा, 2 से 3 हमने लिए हैं लाल मिर्च। अब एक पैन लेंगे और 1 कटोरी लेंगे हम सरसों का तेल, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा हो गया है गर्म, इसके अंदर डालेंगे जीरा, मेथी भी डाल देंगे। और ये लाल मिर्च भी डाल देंगे इसके अंदर, इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमारे हो गए हैं फ्राई, इसको हम कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। ये जो हमारी कढ़ी है इसमें हम तड़का लगाएंगे, इससे इस तरीके से डाल देंगे हम। ये देखिए जो हमने कढ़ी के पकोड़े बनाए हैं कितने सॉफ्ट बने हैं ये पकोड़े हमारे, ऐसे ही टूट रहे हैं चम्मच से। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे पकोड़े, बिल्कुल भी टाइट नहीं है पकोड़े। यहाँ पर हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी कढ़ी आलू की पकौड़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।